जैसे कि आप मतलब मालूम है कि हमार आंदोलन 45 दिन से चलत रही से, लेकिन आज जो है पूरा साजिश के तहत हमार आंदोलन ला कुचले के प्रयास करेगा। जैसे कहे कि ये कांग्रेस सरकार हर आई जाना थे, हमन भरोसा है कहत रहे, लेकिन ये कर्मचारी हित में नियमितीकरण करूँ तो कह रही से, लेकिन हमार कंपनी में दो दो वर्ष में नियमितीकरण होते आ रही से, तब वो हमन मांग करते हैं, लेकिन ये बर्बरतापूर्वक अपन पुलिस का आगे करी से हमला बोली से कि 10 बजे तुम्हला अधिकारी मन से मिला हूँ, ये हमारे SDM महोदय इसे हम का आश्वासन दी से, तो हम रुके रहन वहाँ पास, तो अचानक से पुलिस आते और अचानक से यहाँ मार धार शुरू कर देते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम का दोष करे हैं, हम अपन हक के लिए तो मांगत रहे हैं, हमारे रहते 3000 तक पोस्ट में भर्ती करे हैं, कहाँ तक वो न्याय उचित है कि आप मन एक जन हमारा भाई है सिर फोड़ दिए, एक जन का धक्का मार के छत से गिरा दे तो हाथ पर टूट गए, और एक हमारे भाई जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ आप मन फरार है कि था, और आप मन वीडियो में पूरा दिखा दे कि आपे मन पूरा ले के बस में चढ़ा के जेल में रखे है, आप बोलता कि फरार है, तो मैं वन से कहना चाहता हूँ कि हमन रुकने वाला नहीं है, हमन युवा वर्ग के आदमी हैं, हमन संविदा विद्युत संविदा कर्मचारी के आदमी हैं, जब तक नियमितीकरण के मांग पूरा नहीं हुई पहली जैसे दो दो वर्ष में होत रही से उसने नहीं हुई, तब तक हमन यहाँ से मैदान में नहीं हटन, चाहे हमार जान चले जाए, कितना दिन तक आप मन ऐसा करते रहूँ, आज तो हमारे पास सब पार्टी मन के समर्थन भी आवे और संगठन मन के, लेकिन फिर भी आप मन इस तरह से क्रूरता दिखाया हमारे प्रति, ओखले हमन एकदम निंदनीय बात है, काहे कि आप मन बोलता छत्तीसगढ़िया है, हम ही मन तो छत्तीसगढ़िया आदमी हैं, हमन का जेल बम भरवे छत्तीसगढ़िया आदमी ला। मैं भूपेश बघेल जी से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा जो है आप मन जो नियमित करा जल्द से जल्द, बस इतने हैं, और हमारा आदमी जितना भी आप मन बर्बरता करे आप मन क्षमा मांगा हमारे से। एडिशनल SP के बयान आवे के जो लाठीचार्ज हुई आप मन ने चोट के मैं कहना चाहता हूँ हमारे पास पूरा वीडियो है, मैं दिखा सकता हूँ हमारे भाई कैसे सरेंडर करे थे, सरेंडर करे के बाद निहत्थे आदमी ला मारा थे, इमन निहत्था आदमी कभी नहीं छोड़ा थे, काहे कि इमन जो है तानाशाही सरकार के विरुद्ध तानाशाही सरकार के मैं काम करते, और इवन जो है अपन तानाशाही सरकार के आदेश का मानते, जब हम निहत्था रहे हैं, जब छुए नहीं है अनेकों जन का, तीमन कहते कि पुलिस का धक्का मक्की करे, पहली से साफ साफ देखे जा सकते, माननीय SDM महोदय यहाँ आते ओकर अधिकार नहीं है, ओकर बावजूद भी थप्पड़ मारते SDM महोदय, ओकर शोभा नहीं दे उतना बड़े अधिकारी का, और हमका कहते हैं हमारे युवा एक बार भी हमन उग्रता से कभी नहीं करे हैं, ये पूरा बयान है ओकर झूठे, माननीय तारकेश्वर पटेल जी हमन ये कहना चाहते हैं तो पूरा बयान झूठे, इस प्रकार के झूठी बयान। मैं चुपचाप बैठे रहे हैं धरना स्थल ले सब जन दौड़ा के मारा त्रिसे, तो जाके अपन भवन किनारे में जाके बैठे रहे, ओकरा इस पुलिस के एक फोर्स है तहन बोला पूछिस कहाँ के बोल के, तो मैं बोले क्या बोलते हैं बैठे हूँ मैं यहाँ लोकल हूँ यहीं के बोल के, फिर मोला बोलते कि क्या बोलते यहाँ पार्षद के नाम का भी बोल के, तो बोले नहीं पता, फिर पूछे धरना स्थल वाला तो बोले हो, फिर उत्कम पकड़ के गाली गलौज दे के घिल्ला के मारी से बोला 5 से 6 डंडा मारी सवे, और जमीन में घिल्ला के रगड़त निकाली सवे, और निशान भी हवे मोर पीछू में, एक साइड काला पड़ गए है, एक साइड पूरा लाल पड़ गए हैं। मोर अलावा बहुत झन ला मारे हवे, एक झन के पैर टूट गए हवे, और लगभग नहीं मैं 40-50 जन मन चोटिल होए हवे। अच्छा, पुलिस के बयान हवे कि पुलिस में लगभग अपन ऐसे कुछ नहीं हुए, वीडियो में पूरा दिखा था वे, सब भाई मन हाथ ला पाछू करके रखे हवन हमन पहली ले।